क्या लक्षण से अपने आप को हम मतलब हमारे ऊपर गुरु कृपा है क्या नहीं, मैं कैसे समझ सकता हूँ? गुरु कृपा जब फलीभूत होता है, फलीभूत होता है ना, जो कृपा तो है, जब गुरु कृपा करते हैं, दीक्षा मंत्र प्रदान करते हैं, कृपा शक्ति संचार करते हैं, तो फलीभूत होता है। लेकिन बंजर भूमि में जैसे बीज बपन करने से वो फसल होता नहीं है, जैसे अच्छा फसल फलने के लिए तीन वस्तु चाहिए, एक उर्वर भूमि फर्टाइल लैंड, दो नंबर उत्तम बीज, तीन नंबर उत्तम परिचर्या, तब जाकर के उत्तम फसल होता है। तो ऐसा ही एक संस्कार संपन्न, एक अंतकरण वृत्ति, पूर्व जन्मार्जित संस्कार, महत्मनस्तु मांग पार्थो दैविंग प्रकृति मश्रिता भजंतम अनन्य मनुष्य ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। महात्मनस्तु मांग पार्थ दैविंग प्रकृति मश्रिता, दैवी प्रकृति संपन्न, पूर्व जन्म में दैवी शक्ति लेकर के जो जन्म लेते हैं, भजंतम अनन्य मनुष्य, अनन्य भाव लेकर के वो भगवत भजन में प्रवृत्त हो जाते हैं, ऐसे है ये पूर्व जन्म के संस्कार जातो। ऐसे जो स्वच्छ हृदय है, यह है उर्वर भूमि। जैसे एक जन का बहुत सारी जमीन है, तो जो मालिक है वो चाहते हैं हमारे हर जमीन में अच्छा फसल फले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई जमीन में तो अच्छा फसल फलता है, किसी में थोड़ा मीडियम, किसी में फसल होता ही नहीं। लाख कोशिश करो, लाख प्रयत्न करते हैं, और जिस मालिक जो है वो चाहते हैं हमारे जमीन में अच्छा फसल होनी चाहिए, चाहते नहीं है हमारे जमीन में अच्छा फसल नहीं हो, तब वो कि जो उर्वर जमीन है उसके प्रति ही उनके जरा आग्रह ज्यादा है, ऐसा थोड़ी है, सभी जमीन उनका है, वो चाहते हैं हमारे हर जमीन में अच्छा फसल फले, लेकिन फलता क्यों नहीं। उर्वर भूमि है, उर्वर भूमि होने का कारण उसमें बीज बपन करने का साथ साथ फसल बहुत सुंदर देखने में आता है। और जो बंजार भूमि, बंजर भूमि में लाख प्रयत्न करो बीज बपन करने से होता नहीं है। तो ऐसा ही है, उर्वर भूमि माने उत्तम संस्कार संपन्न मनोवृत्ति, पूर्व जन्म में शुभ संस्कार लेके जो जन्म लेते हैं, अंतकरण निर्मल है जिनके, जिनके मन में संसार के प्रति आसक्ति नहीं है, निर्मल अंतकरण वृत्ति, ऐसे है उर्वर भूमि। ऐसे भूमि में जब गुरुदेव कृपा करते हैं तो बहुत जल्दी वो देखने में आता है, प्रकाश देखने में आता है, भगवती भावना, भगवती बुद्धि, भगवत प्रेम प्रकाश ये सब देखने में आता है। उत्तम बीज चाहिए, बीज भी उत्तम चाहिए, कीड़ा लगा हुआ बीज उसमें तो उत्तम फसल होना संभव नहीं है। तो उत्तम बीज, एक तो उत्तम भूमि माने उत्तम संस्कार संपन्न अंतकरण वृत्ति, उसमें उत्तम बीज माने ऐसे अनुभव संपन्न अनुभवी महापुरुष की कृपा, यह उत्तम बीज। नहीं तो जो साधन करते नहीं, भजन करते नहीं, ऐसे संस्कार ही नहीं, हमने गुरुकरण कर लिया तो वो बीज बपन होने से थोड़ी फसल फलेगा, इसलिए उत्तम बीज होना चाहिए। फिर उत्तम बीज होने से होगा नहीं, परिचर्या चाहिए, आपने खेती किया, फसल बो दिया, उसमें सब खरपतरा हो गया, उसको साफ नहीं किया, खाद नहीं दिया, पानी नहीं दिया, तो अच्छा जमीन अच्छा बीज होती होगी फसल होगी, आपको ठीक समय खाद देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, खरपतरा जो है साफ करना पड़ेगा, जमीन का देखभाल करना पड़ेगा, कहीं गाय भैंस आकर के जमीन को उजाड़ ना दे, वो देखना पड़ेगा, है ना, इसको कहते हैं परिचर्चा। तो तीन वस्तु होने से तो आप देखो उत्तम फसल होता है, एक उत्तम भूमि, दो नंबर उत्तम बीज, तीन नंबर परिचर्चा, तब देखो उत्तम फसल होता है। ऐसे ही साधन जीवन में भी तीन वस्तु है, उत्तम बीज माने उत्तम संस्कार। जेसंग तंतगतंग पापंग जननांग पुण्य कर्मणाम ते दंदर मोहन निर्मुक्त भजन ते मंग दिरत पुरता।
जैसा अंतर्गत पाप अंतर भीतर में जो हमारे पाप राशि है, पाप बुद्धि है, भोग वृत्ति है, दुर्बार भोग वृत्ति है, भोग वासना है, पाप वासना है, ऐसे जो अंतकरण है, ये अशुद्ध अंतकरण, ये बंजर भूमि जैसे, जैसा अंतर्गत पापं जननांग पुण्य कर्मणां मंगल अनुष्ठान के द्वारा, उत्तम क्रिया के द्वारा, भजन साधन ध्यान धारणा उपासना साधु संग सत्संग साधु सेवा महत्सेवा गुरु सेवा इत्यादि के द्वारा जिसका अंतकरण के जो पाप राशि है वो नष्ट हो गया है। जैसंग अंतगत पापं जननांग पुण्य कर्मणां ते दंद मोह निर्मुक्त भजन तमांग दृढ़ प्रता, वो दंद मोह निर्मुक्त होकर की वो दृढ़ प्रत के साथ भजन कर सकता है। सबके द्वारा संभव नहीं होगा, ऐसा थोड़ी है गुरु ने कृपा कर दिया और एकदम भजन में सिद्ध हो जाएगा। ऐसे अंतकरण होना चाहिए। जैसंग अंतगत पापं जननांग पुण्य कर्मणां ते दंदर मोह निर्मुक्त भजन तमांग दृढ़ प्रता, वो ही दृढ़ प्रत धारण करके भजन कर सकता है, नहीं तो ऐसा नहीं, इतना सहज नहीं है भजन करना। भोग वृत्ति भी है, कामना वासना परिपूर्ण है, मन में दुष्ट बुद्धि भी है, हिंसा देश ईर्षा लोभ लालसा, ऐसे अंतकरण दूषित अंतकरण होने से थोड़ी उस अंतकरण में भक्ति रूपी बीज वो फसल फलेगा, वो बीज उत्पन्न होगा, वहां से पेड़ उत्पन्न होगा। इसीलिए अंतकरण शुद्ध अंतकरण होना चाहिए। फिर उत्तम बीज ऐसे महापुरुष की कृपा होनी चाहिए जो दंदर मोह निर्मुक्ता, दंद मोह से मुक्त जो महापुरुष है, जो भगवत अनुभूति संपन्न, जो समस्त दोष वर्जित, ऐसे महापुरुष की कृपा प्राप्त होने से वो बीज जा करके क्रियाशील होती है, बीज से फिर पौधा निकल जाता है। और कीड़ा लगा हुआ बीज, पुराना बीज, निष्क्रिय बीज, उसमें फसल थोड़ी होगा, जहां तहां से कान फूकने से थोड़ी गुरु शक्ति कृपा फलीभूत हो सकता है ना। इसलिए उत्तम बीज, और उत्तम बीज होने से ही होगा नहीं, चाहिए परिचर्या। परिचर्या माने साधन भजन, जप तप ध्यान धारणा उपासना स्तप स्तुति वंदना और कायिक भजन, गुरु सेवा संत सेवा महत सेवा, इसमें व्रती रहना, साधन चेष्टा तीव्र साधन चेष्टा, तत्सहित विषय भोग पदार्थ से दूर रहने का चेष्टा, एकांतवास, आहार शुद्धि, संग शुद्धि, भूमि शुद्धि इत्यादि शुद्धिकरण के द्वारा ये परिचर्या है, ऐसा होना चाहिए। हम गुरु कृपा किए हैं, उत्तम गुरु ऐसे महापुरुष के सान्निध्य प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन भजन साधन करते नहीं, नाम में रुचि नहीं, भजन क्रिया नहीं, घूमते हैं फिरते हैं, तब कृपा होगी तब जाके हम भजन करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है ना। परिचर्या इसको कहते हैं, परिचर्या साधन भजन ये करना जरूरी, तब जाके उत्तम फसल माने भक्ति रूपी फसल फलता है, ऐसा है। तो भोजिलो भजन न गुरु कृपा भजन निर्मूल, ये गुरु कृपा इस तरह से फलीभूत होता है। सबके भीतर तो गुरु जो गुरु कृपा प्राप्त किए हैं, गुरु जिसके ऊपर वो बीज बपन किए हैं जिसके हृदय में, ऐसे नहीं, ये अभाव के कारण अंतकरण चित्त वृत्ति के मलिनता के कारण या दूषित अंतकरण के कारण, मन में काम क्रोध हिंसा देश लोभ लालसा इत्यादि अंतकरण दूषित अंतकरण के कारण वो बीज उगता नहीं है। है बीज कृपा किए हैं, बस उसके बाद परिचर्या नहीं है, साधन भजन है नहीं, साधन भजन में कोई तीव्रता नहीं, कोई रकम दो फिरा माला कर लिया, बस खा रहे हैं सो रहे हैं घूम रहे हैं फिर रहे हैं, ऐसा थोड़ी हो भक्ति रूपी बीज हो उगेगा, यह है मामला। तो गुरु कृपा यह भजन का प्राण है, कृपा तुम्हारे ऊपर है, अब तुमको साधन चेष्टा के द्वारा साधु संघ के माध्यम से महत सान्निध्य के माध्यम से महत सेवा के माध्यम से महापुरुष के समर्पित आत्मा इस तरह से समर्पित भाव लेकर के भजन करने से फिर जाके तुम्हारे भीतर वो कृपा शक्ति जो है वो जाके अंकुरित हो जाएगा।
ऐसा है मामला।